Shadma? ठीक है रोलिंग सर लुक इन द कैमरा पीछे कर रहे हैं यस रोलिंग रोलिंग ओके सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी मंजूर दिल ऑलरेडी जब टीजर लॉन्च हुआ था तभी से लोगों के दिल में एक्साइटमेंट तो ऑलरेडी थी ही अब फाइनली सॉन्ग भी रिलीज हो गया है सर आपसे शुरुआत करना चाहूँगी ये दोनों जो कपल है इनको मतलब कपल इन द सेंस जो जोड़ी है इनको किस तरह से ऑन बोर्ड लाने का डिसाइड किया तो इन दोनों को तो जब टीम शूट कर रहे थे उस वक्त आप लोगों का क्या फीलिंग था उस टाइम पे बहुत गर्म हो रहा था बहुत गर्मी हो रही थी मैं सोच रहा था कि ये शॉट जल्दी हो जाए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था बहुत टफ़ था शूट करना और जब चीज़ें कैमरे के जब शॉट होने के बाद हम देख रहे तो बहुत सुंदर लग रहा था वो तो एक जनता का प्यार है बाकी हम दोनों को साथ में गाते हुए देखते हुए अच्छा लगता है उन लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बहुत प्यार इतना सम्मान देते हैं तो उसके लिए क्या वो चीज़ सच हो सकती है कौन सी वाली जो अंगूठी वाली सीन है ये वो तो ये बताता हूँ शाहरुख और काजोल की एक केमिस्ट्री है हाँ। हर चीज़ हर लोगों के एक जोड़ी होती है हाँ। तो इस हर एक की जोड़ी होती है कि पब्लिक जो लाइक करती है रोमांटिक कपल में तो इनके साथ भी यही है और आपने पूछा हो सकती है कि नहीं हो सकती है वो नेक्स्ट गाने में बताएंगे कि वो होने वाला है कि नहीं होएगा ठीक है अनुता आप बताएं कैसी फीलिंग थी उस वक्त जब वो सीन शूट कर रही थी
एक्चुअली मेरे को सच बताओ तो जैसे कि उन्होंने बोला बहुत गर्मी थी, मेरे को ऐसे आइडिया नहीं थी कि एक शॉट को पांच पांच बार लिया जाता है एक एक दूसरे दूसरे एंगल से. तो मैं सोच रही थी हो तो गया, अभी वापस क्या ले रहे हैं यहाँ से वहाँ से. तो एक अंगूठी खोलने का, एक पहनाने का, वापस उसमें वापस लड़कों ने वापस एडिट वगैरह जो होता है तो उस पर एक एक शॉट पर जो मेहनत की हुई मतलब की जाती है वो मैंने देखा है कि एक एक शॉट एक एक के साथ जब मर्ज होता है तो कैसे होता है. तो अगर मतलब उस सिचुएशन की बात की जाए तो मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी गर्मी थी. हमें ऐसे पंखे लेके लोग खड़े थे कि इनको ठंडा दे थोड़ा सा. बहुत ही गर्मी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कब हो जाए, कब ये वाला शॉट हो जाए. बहुत गर्मी थी. उस गर्मी की बात करें तो, और हम तो सोचे आप नर्वसनेस के मारे गर्मी लगने लग गई थी आपको. नहीं नहीं वैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पे शूट पे. जैसे कोई हॉरर फिल्म हम शूट करें तो हमें देखने में डर लगता है, लेकिन शूट करते टाइम तो बहुत लोग होंगे वहाँ पे. तो उसी तरीके का है कि घबराहट नहीं. बस एक अपना पहला गाना था, आशीष भाई और मैंने म्यूज़िक किया है तो हमारा पहला गाना है. सर और अरुणिता और मैंने मतलब पहली बार हम लोग फीचर हो रहे हैं डुएट में, तो एक अच्छी फीलिंग है. आगे को लोगों का सपोर्ट रहा तो हम आगे भी बहुत अच्छे अच्छे गाने करेंगे. वैसे हर पहली चीज़ दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है, बहुत ही खास होती है. हम तो कब से सुन रहे हैं ये गाना, मतलब बहुत टाइम से एडिट देख रहे हैं, इतने एडिट देख दिए. सर को मैंने 15 मिक्स भेज दिए इस गाने के, नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा आवाज़ कम है इसमें. तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है. अलग अलग वर्जन सुने इस गाने के. जो सबसे पहला वर्जन बना था वो बिल्कुल आशीष भाई ने मेरे को एकदम रॉ गा के भेजा था, तो वो बिल्कुल अलग था. और उसके बाद हमने उस पर म्यूज़िक किया, फिर लिरिक्स में 15 दिन लग गए. हाँ लिरिक्स में, लिरिक्स तो अलग अलग गाए हैं हमने हर बार. हाँ लिरिक्स में हम लोग ने बहुत आगे बैठे हैं. 15 बार हम लोगों ने लिरिक्स चेंज कराए कौन सा सही होगा, और फिर एक बार फाइनल होने के बाद भी हम लोगों ने लिरिक्स चेंज करवा दिए. तो वो भी डिस्कशन हो रहा था कौन सी लाइन जाएंगी कौन सी लाइन नहीं जाएंगी, लेकिन जो फाइनल आया वो सही था मुझे. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो जैसे कि मैंने पूछा कि कितना खास होने वाला है, क्योंकि यू नो फर्स्ट सॉन्ग है एज अ वीडियो एल्बम, तो कितना खास होगा आपके लिए? खास तो है, होने वाला क्या है, मतलब खास है ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब फीचर कर रहे हैं हम लोग और फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो है और सिंगल है, मतलब नया गाना है, फ्रेश म्यूज़िक है. जैसे सर ने बोला, आशीष और पवन ने म्यूज़िक दिया है, तो मतलब बहुत मैंने देखा है. एक्चुअली मैंने तो सिर्फ गाया है, बाकी इन लोगों ने इतनी मेहनत की है म्यूज़िक वगैरह. मतलब मैंने यशराज में हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो रिकॉर्डिंग में बहुत दिन से चल रहा था कि एक एक लाइन एक एक चीज़ एकदम नीट होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए. तो उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा की गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई. तो आई होप सबको अच्छा लगेगा. और क्योंकि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा शांत भी लगते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप दोनों मतलब ज़्यादा कुछ बातचीत या मस्ती वगैरह करते होंगे, तो कितनी सच्चाई है कि आप बिल्कुल जैसा दिखता है वैसा है? नहीं नहीं बिल्कुल मस्ती करते हैं हम लोग भी, बट कि मतलब ऐसे खाली भी मस्ती नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. जैसे आशीष दा, मैं, अरुणिता, साइली, निहाल भाई, हम सब लोग मिलते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं बन पाता है उसका, इसलिए पता नहीं चलता है. आप कैसी हैं, मतलब चुलबुली टाइप है, कैसी एकदम शांत है, कैसी है? मैं कैसी हूँ मेरे दोस्त ही बता पाएंगे, मैं पता नहीं क्या ही बता दूँगी मेरे बारे में. पर ऐसे मस्ती करती हूँ मैं, मतलब फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ मजाक करती हूँ ऐसे. हाँ जैसे कि बोला वीडियो नहीं किया रहेगा इसलिए पता नहीं चला रहेगा. म्यूजिक के बारे में बोलना चाहूँगा कि 15 ढोलक 15 तबले जो आशीष है, आशीष और इन लोग ने म्यूज़िक दिया है, और इन लोग ने पहली बार म्यूज़िक दिया है. तो मैं इन लोग ने जब रिकॉर्डिंग किया था ये गाना, तो और म्यूज़िक डायरेक्टर है हमारे, मैं चाहूँगा कि आ जाओ आप जी, बोलिए. म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश म्यूज़िक है. तो यू नो जब जब आपने ऑब्वियसली लिरिक्स सुने होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली म्यूज़िक को सेट किया होगा, तो कैसे कितनी मेहनत लगी, क्या किया? मैम आइडल के दौरान जैसे आप सब लोगों ने देखा कि हम तो मैं और पवनदा एक म्यूज़िक डायरेक्टर वो करना चाहते थे, तो एक मौके की तलाश में थे बस कि कोई हमें फर्स्ट चांस दे दे. तो जब ये पता चला कि राज सर हमें पहला मौका दे रहे, तो एक अलग लेवल की खुशी थी, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया. कोई मतलब क्रिएटिव प्रोसेस में हमारा इतने डीपली हिस्सा थे वो, और इतने सारे अलग अलग गानों के वर्जन्स और इतने सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जब ये फाइनल आउटपुट निकला, तब
तब एक दिल को जो सुकून मिला तो वो अलग ही लेवल का था कि फर्स्ट गाना हमारा आ रहा है और जिसमें इसमें मेरे को लगता है इंडिया के दो सबसे टैलेंटेड सिंगर्स मुझे मिले और मेरा और पवनदा का म्यूज़िक है, तो ये गाना एक रेसिपी फॉर सक्सेस ही मैं कहूँगा। ऑब्वियसली वैसे अब ये सॉन्ग तो हो गया, जैसे कि 20 गानों की लिस्ट है, तो नेक्स्ट सॉन्ग कब होने वाला है? नेक्स्ट सॉन्ग की तैयारियां चल रही हैं और बहुत पहले से भी चल रही हैं और वो बता नहीं सकते अभी, और वो गाने भी रेडी हैं हमारे, रिकॉर्ड करके हमने रखे हैं और आगे के गाने भी बन रहे हैं। तो और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम लोगों को मना नहीं होता है कोई भी चीज़, जैसे हमें चाहिए 15 ढोलक 15 तबले तो वो रेडी रहते हैं, और तापसदा गिटार में चाहिए सर को बोला तो वही सर उन्हीं को वो करके, मतलब हमें म्यूज़िक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ रहा है, हमें जो चाहिए वो मिलता है, तो बहुत वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए एक एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर हम दोनों के लिए। थैंक यू। थैंक यू। सर पिक्चर ले क्या रेडी? राज भाई रेडी? ओके, यस डन। आपकी नज़र हटेगी नहीं, तो शॉर्टकट करने का मन नहीं कर पाया, और वो चीज़ आप लोग स्क्रीन पर ऑलरेडी देख सकते हो, गाना हम लोग ऑलरेडी आउट है। हम लोग यही चाहते हैं कि बस ये जोड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हो, ताकि और हम लोग और अच्छे अच्छे गाने इन लोगों के साथ बनाए सकते हैं, और थोड़ा और हम लोग कंटेंट से बस यही चाहते हैं। थैंक यू सर। दो लाइन आपसे गवानी है। प्यार जितना भी था मेरे पास में, वो नाम तेरे ये दिल कर गया। इश्क लाए जो तुम मेरे वास्ते, सजदे में दिल गिर गया। कल तक मेरी जिंदगी बिन तेरे नाराज थी, हुई है राजी आंखें तेरे रूबरू। खुदा से तुझे मांगे दुआ में, मजबूर दिल हुआ है तुझे पाके जहां में। मशहूर दिल न रह सका है तुझसे एक पल, अब दूर दिल किया है तूने जब से मेरा।
मंजूर दिल मंजूर दिल।